हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे फाइनेंस मार्केट में। दोस्तों, हम लोग आज चलिए जानते हैं मार्केट में आज डिक्लिनेशन क्यों देखने को मिला, मार्केट में डिक्लाइन क्यों रहा आज। इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको न्यूज़ बताने जा रहा हूँ, जो रीज़न्स हैं, कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आज मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे क्या कारण है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, आइए जानते हैं। बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो मेक श्योर टू लाइक माई वीडियोज़ एंड प्रेस द बेल आइकन न्यू टू सब्सक्राइब बटन टू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड वीडियोज़। एंड मोर ओवर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू आर योर फ्रेंड, अगर आप या आपका दोस्त कोई भी हो, अगर वो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप ओपन कराना चाहते हैं, देन गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ माई वीडियो। देयर विल बी गेट यू विल बी गेटिंग अ लिंक एंड इफ़ यू क्लिक ऑन द लिंक यू विल बी रिडायरेक्टेड टू अ पेज वेयर यू विल गेट टू एंटर योर मेल आई डी एंड फोन नंबर। दैट्स इट। एंड मीन वाइल, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन डोंट वरी टू कमेंट मी, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। दोस्तों, पॉइंट ये है कि आज मार्केट में डाउनफॉल क्यों देखने को मिला, ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। द इंडियन मार्केट फेल्ट द हीट ऑफ राइजिंग टेंशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ईरान, विच पुश्ड प्राइसेस ऑफ सेफ हेवन एसेट्स हायर एंड ड्रैग्ड रिस्कियर इक्विटीज लोअर ऑन जनवरी 3rd। Major markets across the globe declined. Global crude oil prices rose about 4% and gold and other safe haven assets jumped as the US killing a top Iranian commander in an airstrike in Iraq stoked tensions in the West Asia. The Sensex handed 162 points or 0.39% down at 41,464.61, while NSE benchmark Nifty settled with a loss of 56 points or 0.45% at 12,226.65. जी हाँ दोस्तों, ये आज की बात नहीं है, ये फ्राइडे की बात है, यानी 3 तारीख की बात है। तो ऐसा देखने को मिला, और आज की जो ओपनिंग हुई है मार्केट में निफ्टी की, वो काफ़ी नीचे हुई है इसकी क्लोजिंग लेवल से। और आइए थोड़ा आगे देखते हैं। फॉर द वीक बोथ द सेंसेक्स एंड निफ्टी शेड अराउंड 0.3% ईच। द निफ्टी मिड कैप इंडेक्स इज द ओनली मेजर इंडेक्स टू एंड द वीक विद गेन्स ऑफ नियरली 2%, वाइल द वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया 16th recorded as its best weekly gain since August 2019, up over 20%. According to the pivot charts, the key support level for Nifty is placed at 12,190.13, followed by 12,153.57. If the index continue moving up, key resistance levels to watch out for आर 12,064, 264.43 एंड 12,302.17। लेकिन अब तो ये नीचे आ चुका है काफ़ी। निफ्टी बैंक क्लोज 1.15% डाउन एट 32,069.25। द इम्पोर्टेंट पाइवट लेवल विच विल एक्ट एज क्रूशियल सपोर्ट फॉर द इंडेक्स इज प्लेस्ड एट 31,909.8, फॉलोड बाई 31,750.4। ऑन द अपसाइड, की रेजिस्टेंस लेवल्स आर प्लेस्ड एट 32,279.21 एंड 32,489.2। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में क्या इसका कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम लोग देखते हैं। US मार्केट, वॉल स्ट्रीट्स मेजर इंडेक्सेस फेल फ्रॉम रिकॉर्ड हाई ऑन फ्राइडे आफ्टर US एयर स्ट्राइक इन इराक ratchet up tensions in the Middle East and a bigger than expected contraction in the US manufacturing sector raised the concerns of slowing economic growth. The Dow Jones Industrial Average fell 233.92 points or 0.81% to 28,634.88. The S&P 500 lost 23 points or 0.71% or to 3,234.85. The नसाद कंपोजिट ड्रॉप्ड 71.42 पॉइंट्स और 0.79% टू 9,020.77। एशियन मार्केट्स में हम ये थोड़ा देखते हैं। अ गेज ऑफ एशियन शेयर्स वॉज
toppled from an 18-month top on Monday as heightened Middle East tensions sent investors scurrying for the safety of gold, which hit a near 7-year high while oil jumped to 4-month peak. दोस्तों यहाँ पे हम लोग एशियन मार्केट में थोड़ा सा फोकस करें तो एशियन मार्केट में हुआ ये कि जो ये टेंशन क्रिएट हुई है मिडिल ईस्ट में यूएस और यूएस ने क्रिएट किया है इराक ईरान के टॉप कमांडर के लीडर को मार करके तो इसकी वजह से जो यू नो मंडे के दिन भी इसी का असर मुझे हम सबको देखने को मिला मार्केट के अंदर और इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपने इस गोल्ड की सेफ्टी के लिए इससे निकाल करके थोड़ी देर के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बाहर कर दिया. MSCI's broadcast index of Asia Pacific shares outside Japan slipped 0.7%. Japan's Nikkei slid almost 2% in short return from holiday. तो इस तरीके से अब देखते हैं थोड़ा SGX Nifty के बारे में. Trends on SGX Nifty indicate a negative opening for the broader indices in India, loss of 55.5% or 0.45%. Nifty futures were trading around 12,193 level on Singaporean exchange. आगे देखते हैं दोस्तों. Oil extends gains on rising Mideast tension. Oil prices added to recent gains on Monday with Brent nearly $70 a barrel as escalating tensions in the Middle East fanned worries about disruptions to supplies. Brent crude futures rose to a high of $69.95 a barrel and worth $69.65 a barrel at 0016 GMT, yani 12:16 AM GMT, up $1.05% from Friday's settlement. U.S. West Texas intermediate crude was at $63.86 a barrel, up 81 cents, or 1.3% after touching an intraday high of $64.27. Rupee or dollar ka kya connection dekhte hain dosto. Uske liye rupee plunges 42 paisa to 71.80 against US dollar. The rupee plunged by 42 paise to settle at 1.5 month low 71.80 against the US currency on Friday due to a spike in crude oil prices after US President Donald Trump ordered a strike on an Iranian commander. Trump ordered the killing of Iran Revolutionary Guards commander Qasem Soleimani, escalating tensions in the strategic Gulf region. At the interbank foreign exchange market, the rupee opened at 71.56, then lost further ground to touch a low of 71.81 against the American currency. China starts lifting restrictions on foreign investment. जी हाँ, foreign investment पे China भी अपनी restrictions को हटा रहा है. China has started lifting major restrictions on foreign investment in its financial sector, a move long demanded by United States as the world's two biggest economies are locked in a fierce trade battle. From the start of 2020, foreign banks can now set up wholly owned branches in China without a local partner holding a majority stake, the Banking Regulatory Authority, BIRC, announced on Friday. In the past, foreign banks were required to have a local Chinese partner and not allowed to hold more than 49% of their respective joint ventures. आगे अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि और कौन कौन से रीजन्स हैं जिसकी वजह से आज हमें स्लो डाउन देखने को मिला. थोड़ा सा यहाँ पे इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या इसका असर पड़ेगा हमारी इंडियन इकोनॉमी पे. और जैसे देखिए यहाँ लिखा है, इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन मैन्युफैक्चरिंग फॉर अचीविंग $5 trillion इकोनॉमिक गोल. इसके अंडर पर देखिए क्या लिखा है. India needs to strengthen its manufacturing capacity and produce quality products that will help the country to achieve $5 trillion economy target by 2025, Foreign Union Minister Suresh Prabhu said on Saturday. He also said the exports are going to be the main deliver of economic growth. इनका कहना है कि exportation पे हमें ज़्यादा काम करना चाहिए. Exportation 50% जो हमारी economy का part होगा वो exportation से ही आने वाला है. So we need to work on export, exportation. India today is at $2.5 trillion economy, and we have set a target of becoming $5 trillion by 2025.
In this target, 50% will be international trade, of which exports will be a major component. Prabhu, who is the Prime Minister Narendra Modi, Sherpa for G20 summit, said here while addressing 23rd edition of Tech Fest, Asia's largest science and technology festival. अब देखते हैं हम लोग FPIs और इनका इनका क्या है रोल. देखिए अब देखिए मार्केट में डाउनफॉल क्यों देखने को मिला. अब देखिए क्या सुनिए क्या ध्यान से. यहाँ से FPIs pull out ₹2,418 crore in first three trading session of 2020. 2020 के स्टार्ट होने के दो ही तीन दिन के अंदर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने 2,418 करोड़ रुपए निकाल लिया. जी हाँ, इनको इतना प्रॉफिट देखा तो अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए इन लोगों ने अपने इतने रुपए यहाँ से बाहर कर लिए. तो यहाँ से आप खुद बताइए मार्केट में तेज़ी आएगी कि कमी कमजोरी आएगी. कमजोरी आएगी, ऑब्वियसली कमजोरी आएगी. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FPIs बिगिन द ईयर विद प्रॉफिट बुकिंग एज दे विथड्रॉ अ नेट सम ऑफ 2,418 करोड़ फ्रॉम इंडियन कैपिटल मार्केट्स इन द फर्स्ट थ्री ट्रेडिंग सेशन ऑफ जनवरी As per latest depositors data, 524.9 crore was pulled out of equities and ₹1,893.66 crore from the debt segment between January 1 to 3rd. This resulted into a cumulative net outflow of 2,418.57 crore, which we have ICRA maintains negative outlook on passenger vehicle CV. जी हाँ, ICRA की जो रेटिंग है, ये भी एक रेटिंग एजेंसी है, और जिसका आउटलुक एक नेगेटिव देखने को मिला है पैसेंजर व्हीकल्स पे, और जिसकी वजह से आज यू नो डाउनफॉल, ये भी एक रीज़न हो सकता है. रेटिंग एजेंसी ICRA ऑन जनवरी 3rd मेंटेन अ नेगेटिव आउटलुक ऑन पैसेंजर व्हीकल PV एंड कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट्स वाइल मेंटेनिंग अ स्टेबल आउटलुक ऑन टू व्हीलर OEM S and tractor segments. The negative outlook on PV sector was due to the slowing economic growth. The sharp decline in wholesale dispatches to desktop dealership inventory as well as tepid retail demand, ICRA said in a release. Ji haan dosto, ICRA ki jo rating hai, ye PV jo hai, passenger vehicle aur commercial vehicle segments mein negative बता रही है, जो कि सबसे बड़ा इसका कारण यही है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत स्लो है. इंडस्ट्री डिमांड हैज़ कम अंडर प्रेशर ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स ड्यू टू फैक्टर्स सच एज लिक्विडिटी क्रंच एंड टाइटर फाइनेंसिंग एनवायरनमेंट वीक रूरल इनकम एंड ओवरऑल स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच हैज़ एडवर्सली इम्पैक्टेड कंज्यूमर सेंटिमेंट्स एज द पर रेटिंग एजेंसी SEBI modifies ratings withdraw norms. SEBI ने जो ratings के जो norms हैं उसको modify करा है, तो ये काम का नहीं है हम लोगों के, अभी इसको नहीं अभी देखते हैं. Forex reserves hit record high of dollar at $457.46 billion. जी हाँ दोस्तों, countries foreign exchange reserves swelled by $2.52 billion to touch a record high of $457.468 billion in the week to December 27 according to RBI data. In the previous week the reserves rose to, चलिए सब छोड़ते हैं. यहाँ देखिए, government unlikely to announce capital infusion for PSU banks in budget. जी हाँ, तो आने वाला बजट है जो कि Feb 1 के आसपास से स्टार्ट होने वाला है, उसमें ये गवर्नमेंट जो है अनलाइकली है, मतलब कि ये फेवर में लग नहीं रही है कि इसके लिए कोई यू नो कैपिटल इन्फ्यूज़ करेगी PSU banks के लिए. तो इसीलिए यहाँ पे बैंक्स में भी काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे कुछ उम्मीद नहीं है. देखिए मार्केट में जो भी कुछ होता है उसका असर हम लोगों को देखने को तो मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. और छोटी 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 इन्फॉर्मेशन मिल करके एक उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. आज नेगेटिविटी देखने को काफ़ी मिली है, और इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं. उन सारे रीजंस को मिला करके एक नेट मोमेंटम बनता है, यू नो नेट मोमेंटम, एक मोमेंट देखने को मिलता है, और वो आज का जो मोमेंटम है वो नेगेटिव डायरेक्शन में था. ठीक है, तो आगे देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा. बीएससी इक्विटी डेरिवेटिव्स वॉल्यूम स्केल्स पास 3000 करोड़. अच्छा चलिए छोड़िए, यहाँ देखिए एक जरा एक और है.
FII एंड DII डेटा। जी हाँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनको FIIs बोलते हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को DIIs बोलते हैं। यहाँ पे FIIs जो हैं बॉड शेयर्स ऑफ वर्थ रुपीज़ 1263.05 करोड़, वाइल डोमेस्टिक DIIs जो हैं सोल्ड शेयर्स ऑफ डॉलर वर्थ रुपीज़ 1029.2 करोड़ इन इंडियन इक्विटी मार्केट ऑन January 3। प्रोविजनल डेटा अवेलेबल ऑन द NSE शोड। ठीक है, आगे ये भी एक रीज़न हो सकता है जो अभी बताया आपको। स्टॉक अंडर FNO बैन ऑन NSE। या जी हाँ दोस्तों, यस बैंक जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन में 6 जनवरी को ट्रेड नहीं कर पाया होगा, नहीं करा इसलिए क्योंकि इसके ऊपर बैन लगा हुआ 6 जनवरी तक। कल 6 जनवरी को लगा था, मतलब आज के दिन ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर सकता था। अब तो शायद इस वाले इस मार्केट में, यस बैंक की जो मार्केट है इसमें डाउनफॉल शायद इस वजह से भी देखने को मिला हो। तो एक ही रीज़न नहीं है, मैंने आपको कई बार मैं बता रहा हूँ, ये एक रीज़न नहीं है दोस्तों, इसके अलावा कई रीजन्स हैं जो सारे रीजन मिला करके उसका एक क्यूमुलेटिव असर, हम लोगों को क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एक ही चीज़ का कोई डायरेक्टली स्ट्रेट असर नहीं पड़ता है, जब अनलेस वो चीज़ खबर बहुत बड़ी हो। वैसे मिडिल ईस्ट में ये जो टेंशन क्रिएट हुई है US और ईरान के बीच में, इसका असर इंटरनेशनल मार्केट पे बहुत पड़ा है और इंडियन मार्केट में आज देखने को मिला काफ़ी। और आने वाले टाइम में ईरान अगर रिटेलिएशन के बारे में अगर सोचता है तो उससे मामला और ख़तरनाक हो सकता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके रिटेलिएशन या उसके एस्केलेटिंग की बदले की जो भावना अगर उसके अंदर क्रिएट होती है, तो उससे वर्ल्ड की और जो कंट्रीज़ हैं उनका क्या रिएक्शन है इस चीज़ को लेके, ये चीज़ भी एक की फैक्टर है यहाँ पे। ये चीज़ भी डिसाइड करेगी आगे के मोमेंट को। तो मैं यहीं तक आज के लिए यहीं पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू एंड अप राइट हियर। सो लास्टली बट नॉट लीस्ट दोस्तों, इफ़ यू आर न्यू हियर देन प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको या आपको किसी दोस्त को जो भी हैं उनको अगर डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करके आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट सिंपल तरीके से ओपन करा सकते हैं दोस्तों। चलिए, मैं आपसे कल मिलता हूँ एक नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।